जय शंकर बाबा लोग, नए दिन नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई आरडीआर एंड आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से कर रहा हूँ। 8 बजे के करीब उठा था, उसके बाद मैंने जो व्लॉग कल का शूट किया था उसको एडिट वगैरह किया। अभी उसकी एडिटिंग कंप्लीट करके मैंने रेंडरिंग पे लगा दिया व्लॉग को। व्लॉग एडिट करते करते ताई जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कल की गेहूं धो के ऊपर सुखाने के लिए रखी थी, तो वो बोल रहे हैं कि उस गेहूं को नीचे ले आ, अंजन तो है नहीं घर पे, तो ताई जी ने मुझे बोला कि वो गेहूं नीचे रख दे, तो उस गेहूं का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे दीदी चले फिर, नहीं शाम के टाइम गेहूं काम कर, क्यों तू चले नहीं ना, तू लैपटॉप पे काम करा। और क्या, मेरा काम हो गया, एडिट कर रहा था यार, इस चक्कर में लेट हो गया। लेट शाम की ना है, शाम बजे जाना। चलो ठीक है, तब तो मैं अभी शाम को ही करूंगा फिर वो काम। देख लेती हूँ, देखो देखो अंजन का फोन आया था, आया बीमार, क्या हुआ उसको? पानी नहीं बचा उसको, लूज मोशन चल पड़े अंजन को। मेरी हुई थी रात को बात, मैं करूंगा अभी उसको थोड़ी देर बाद फोन। और मैं उससे मिस कर रहा उसको, इसमें पता नहीं मोटू चलता निरंदे। हाँ तो जानू खत्म हो गए था ये सारे, बात बंदर ले गए वो सारे, हाँ खा के नीचे फेंके होते। नहीं कल मैंने देखे थे वहाँ पे जाके, एक भी गिन्नू नहीं था, खा लिए बंदरों ने सारे, ऊपर लगे हुए हरे हरे बच्चे, वो बेकार बेकार से नए पत्ते आ रहे गिन्नुओं को। कर लूंगा, मेरा हो गया काम, जस्ट थोड़ा सा काम था। नहीं नहीं कोई बहाना नहीं, कहाँ पे नहीं ना ऐसे ही, मैं नहीं चलाता इतनी, हाँ गिरा दिया फिर। झूठ बोल रही, मेरे को नहीं था पता था ये वो कर रही है, मैं लिमका वीरा था ऊपर बातें बूते कर रहा था, मैं लिमका वीरा था, सच्ची झूठ बोल रही ताई, ये मेरी ताई झूठ बोलती है। मैं कोई तमाशा नहीं देख रहा था, मैं पी रहा था वहाँ पे लिमका, ठीक है खुल गई थी वो, और बैठी है बंदी थी, और पूरा काम किया है कल मैंने, भैंस को बांधा वो ऊपर से वो लेके आया था पराली, बड़ा काम किया कल मैंने, मम्मी ना हो रहा, हाँ मम्मी ने भी ऐसी तो मैं ऐसे भी कर लेता हूँ काम, जुकाम हो गया रहा मेरे को। चलो ठीक है आप करो बातें बूते, मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ अपना वीडियो वगैरह, ठीक है फिर बैठो बैठो। आप कहाँ चले, मैंने खाना भी खाना अभी, रोटी खानी है, हाँ मैंने खाना है, खाना बनाया क्या आज? आलू दे परांठे कने दे, ओ मैंने बोला था कल, भूल गया था मैं, जुकाम हो गया, पर मुझे दही के साथ नहीं चाय के साथ खाने है, अभी नहीं मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद खाते, आपने कब खानी? ठीक है कर लो अपना काम फिर खाते, अंदर ही खा लेंगे ना इधर, ठीक है। मैं गया था दीदी जी की हेल्प करवाने गेहूं ढोने, पर दीदी जी ने मना कर दिया क्योंकि दीदी बोल रहे हैं अभी नहीं करेंगे, शाम के टाइम करेंगे, पहले दीदी का प्लान था आज जाने का, पर दीदी ने अपना प्लान चेंज कर दिया, अभी वो 2 दिन की छुट्टी उन्होंने अपनी सासू माँ से ले ली, इसलिए उनको 2 दिन की और छुट्टी मिल गई, तो दीदी बोल रहे हैं कि शाम के टाइम ढोएंगे, और वैसे भी धूप भी काफी होगी थी, मेरा भी मन नहीं था इतनी धूप में, कौन करे यार काम, तो अच्छा हुआ मेरे लिए, बहुत ही हार्ड हुआ इतनी धूप में, मेरे से काम नहीं होना था। तो चलो व्लॉग रेंडर हो गया, उसको अपलोड पे लगा देते हैं, बाकी आप फुल पावर सपोर्ट करो, फुल पावर प्यार दो, मिलते हैं आपसे खाने के टाइम। तो दोस्तों मम्मी को मैंने बोला भी था कि हम यहाँ पे खाएंगे खाना, तो मम्मी ले आए हैं खाना, खाने में परांठे, चाय के लिए बोला था मम्मी को मैंने, एंड नींबू का अचार, जैसे मैं दही के साथ खाता हूँ परांठे, बट जुकाम हो गया हुआ इसलिए दही को मैंने त्याग दिया 1-2 दिनों के लिए, ताकि जब तक मेरा जुकाम ठीक ना हो तब तक नहीं दही को खाऊंगा मैं। खाना वगैरह कंप्लीट कर लिया, अभी बैठा हूँ रूम में करूंगा रेस्ट, काम करने का कुछ मन नहीं है, टाइम भी 11 बजे के करीब हो गया है, और धूप हमारे यहाँ पे तो इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है कि नो वर्ड फॉर धूप, लाइक मोटे तरीके से बस हो जाती है यार ऐसी गर्मी में, अंदर बैठा हुआ भी पसीने पड़ना शुरू हो गए हैं, 2 मिनट के लिए फैन ऑफ और डायरेक्ट पसीना पड़ जाता है यार। चलो
रेस्ट वगैरह करने के बाद मिलते हैं आपसे दोपहर को। ऐसे जस्ट मैं म्यूजिक की ट्राई वगैरह करता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं उससे रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, ऐसे म्यूजिक की वीडियो होगी, जो म्यूजिक बनाता हूँ वैसा कुछ भी डाल दिया। तो इंस्टाग्राम मेरा नाम है RDR बाबा, वहां पे भी मुझे फॉलो कर ले। दोपहर के बज रहे हैं 2, अभी टाइम है खाना खाने का, तो चलो खाना वगैरह खाते हैं। पहले लैपटॉप वगैरह चला रहा था, टाइम पास कर रहा था, अभी चलते हैं। मम्मी को बोलते हैं कि खाना वगैरह डाल दो। यहाँ पे नीतू भी जस्ट अभी पहुंची है थोड़ी देर पहले घर, काम वगैरह कर रही है आते ही। मम्मी खाना कुछ नहीं बनाया, सच में गर्मी है तो खाना खाना छोड़ देगा। चावल है, फ्राइड राइस बना दो, बना दोगे कब, बना दो भूख लगी हुई है। काम हुआ है ऐसे मेरे हाथों से बनेगा, सभी को जुकाम हो जाएगा। तो खा लेगी नहीं तो फ्राइड राइस, चलो फ्राइड राइस बनाते हैं जाके। हमें बोल रहे कि खुद ही फ्राइड राइस बना ले, तो खुद ही बनाने पड़ेंगे, तो लेट्स गो, चलो चलते हैं किचन में। फ्राइड राइस भी खुद ही बनाने पड़ेंगे, मम्मी बोल रही कि खुद ही बना, ऊपर से मुझे जुकाम और ये बहुत खतरनाक तरीके से हुआ है, इतना बेकार सा दिन है यार, बट क्या करना, चलो बना देते हैं। मम्मी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, मम्मी भी सोए हुए अपना फुल पावर एंजॉय कर रहे। दोस्तों मैं आ गया हूँ किचन में, अभी यहाँ से एक प्याज ले लेते हैं, क्या दो ही प्याज ले लेते हैं, घर वालों को भी दे देंगे साथ में खाने के लिए। दो प्याज ले लिए, ये यहाँ पे छोटे छोटे पीस में काट लूंगा इनको, यहाँ से इस थाली में काट लूंगा, एंड यहाँ से ले लेते हैं चाकू। प्याज वगैरह काट लिए, एंड ये रखा है मैंने जिसमें फ्राई करना है मैंने राइस को, तो सिंपल फ्राइड राइस बनाऊंगा, नो टमाटर, सिंपल फ्राइड राइस बनाने हैं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं डलेगा, टमाटर घर पे है नहीं, सब्जी वाली गाड़ी आई नहीं। तो चलो चावल मैंने पहले से निकाल लिए थे, कर लेते हैं काम स्टार्ट जल्दी जल्दी, एंड अकेला हूँ यहाँ पे, वीडियो बनाने वाला है नहीं, पहले अंजन होता था मेरे साथ, तो वो मेरे शॉट वगैरह कैप्चर करता रहता था, अब तो अंजन भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। चलो आई मिस अंजन यार, सीरियसली अंजन को बहुत मिस कर रहा हूँ, काश वो मेरे साथ ही होता है यहाँ पे। यहाँ पे प्याज डाल दिए मैंने, थोड़ा बहुत मसाले डालूंगा अभी। फ्राइड राइस बनने के बाद कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, ये सारा का सारा बर्तन ही मैं अंदर ले जाऊंगा, एंड 2-3 प्लेट लेके जाऊंगा अंदर, ताकि मम्मी और नीतू आराम से खा सके एंड मैं भी खा लूं। तो ये रहे अपने फ्राइड राइस, लस्सी, एंड ये रखी है प्लेट, एंड मम्मी को देखो पहले कैसे सोए थे एंड अभी एकदम से उठ गए। वाह मम्मी वाह, बिल्कुल 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 बिल्कुल, खाओ खाओ फुल पावर खाओ। नीतू आजा आजा मेरे बच्चे, मम्मी फुल पावर खुश हुई। हाँ मम्मी फुल पावर खुश हुई, चलो खा लेते हैं जल्दी जल्दी, डाल दो मम्मी, डाल दो सकते हो ना। हाँ तो डाल दो, डाल दो जल्दी। हाँ जी कैसा है टेस्ट, कितना है? हाँ थोड़ा सा, थोड़ा सा डाला था पहले तेल में फ्राई किया, फिर थोड़ा सा घी डाल दिया ऊपर, टेस्ट आ रहा ना, तभी नहीं बोलते ना, इसलिए बोला जाता है मेरे हाथ में सच में जादू है। रोज नहीं ना हो सकता ये जादू। हाँ रोज रोज करके जादू खत्म हो जाता, सही बात है, क्योंकि नीतू को पता है खुद पे, नीतू को खुद पे विश्वास है कि मैं काम पे चला गया तो ये काम नहीं करेगी, ये नहीं बोल रही कि भाई चला जाएगा काम पे तो मैं बना दूंगी। हाँ चलाक तो बहुत है ये, भोले वाले चेहरे के पीछे जो एक खतरनाक बंदरिया छुपी है वो मुझे ही पता है। शट अप भैया, मेरी बात सुनो मम्मी, मेरी बात सुनो मम्मी, भाई कहता शौक, मैं कभी शौक नहीं करती, मैं कभी भी लाइव लेना बर्तन में कोई काम नहीं करती, मैं शौक क्या करा कि मैं काम करती, जरा काम करता है उसे कमरे पता नहीं चलता, हाँ पता है मुझे, सही बात है। टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे के करीब, बाहर को खाना वगैरह खाने के बाद मैं सो गया था, उसके बाद जस्ट थोड़ी देर पहले उठा हूँ एंड बाहर घूम रहा हूँ, जुकाम हो गया यार बड़ा गंदे वाला, इसलिए आपको व्लॉग्स में काफी अजीब सी आवाज आ रही होगी मेरी, एंड पीछे दीदी ने बोला, आपने सुना होगा, वो बोल रहे हैं कि वो गेहूं भी उठानी है, तो उठा लेंगे दीदी कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह मैंने बोला था, एंड ताई को देखो पीछे फुल पावर तरीके से देसी मैट्रिक्स तैयार करने लगी हुई है, दिखाता हूँ मैं पास जाके, सही क्या बनाने वाले हो ये, पिल्लो भर रहे हो, मेरे को लगा वो बनाना है दूसरा खंदोलू टाइप, तो ये ताई ने देख सकते हो आप हैंडमेड मैट्रिक्स बना लिया, इसके अंदर ये भरते हैं एंड इसके अंदर भी थोड़ा ऐसे जैसे वो आप देख रहे हो
सामान रखा हुआ है जो लीर वगैरह सब कुछ, तो ये छोटे छोटे पीस इसके अंदर भरे हैं एंड उसके बाद इसको सिल देना है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बजे के करीब एंड मैं दीदी के साथ ऊपर आ चुका हूँ। देख सकते छोटे छोटे ढेर लगाए हुए, इन सभी को इस बोरी के अंदर डाल के मुझे नीचे लेके जाना है। ऐसे टाइम में अंजन का काम मुझे करना पड़ रहा है। अंजन तो चंडीगढ़ बैठ के व्लॉग देख रहा होगा, तो पैसे काउंट करते रहना, मैं जितना जितना काम करता हूँ तेरे से वसूल करूंगा आते ही। एंड काम करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सनसेट का नजारा देखिए, पूरा का पूरा सनसेट आपको यहाँ से दिख जाएगा। बड़ी इतनी देर में जो खड़े नहीं होना यहाँ पे। दीदी ने मेरे सनसेट पॉइंट दिखाते दिखाते बोरी भी भर दी। देख सकते हो आप सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, ये जस्ट 15 मिनट बाद पूरा का पूरा सनसेट हो जाएगा। सारी की सारी गेहूं उठा दी, बस वो आखिर वाला बचा हुआ एंड ये थोड़ी सी और वो थोड़ी सी बाकी दीदी इकट्ठा करेगी, उसके बाद ही भरेंगे। वो मशीन पे छोड़ने के लिए बोरी होगी ये, पीछे देख सकते हो आप बोरी, ये वाली बोरी रखनी थी मुझे, सारी की सारी मैंने कर दी खत्म। बस थोड़ा सा वो झाड़ू लगा के दीदी बोल रहे हैं कि मैं ले आऊंगी खुद एक छोटे से टोकरी टाइप में, उसमें ले आएगी दीदी। बाकी आप देख सकते हैं सारी की सारी बोरी मैंने रख दी, तो अभी जाके करते हैं रेस्ट। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 10 एंड खाना आगे जस्ट अभी रूम में पहुंचा हूं। लैपटॉप पीछे रखा है, लैपटॉप पे थोड़ी देर करूंगा काम। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। लव यू ऑल, जय शंकर, बाय।